कल मैं एक सज्जन से मिला था, रईस आदमी हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने यहाँ लखीमपुर के पास एक रिसॉर्ट बनाया है, 30 एकड़ के कैंपस में, ढेर सारे पेड़, एक कॉटेज। इतना प्यारा लगा मुझे वो जगह। मैंने उनसे पूछा, आपने यहाँ पर कितनी सुबह देखी होगी, सुबह उठ करके? बोलते, हमारा घर लखीमपुर में ही है और 25 साल से ये कॉटेज, मतलब ये बनाया है हमने जगह, दो या तीन सुबह। मुझे बड़ा लगा कि देखो, इस आदमी के पास इतना सुंदर 30 एकड़ का सुंदर सा फार्म, ढेर सारे पेड़, एक तालाब भी है उसमें। हम लोग दोनों गए थे शाम को। उनसे जो मैं बार बार बोलूं कि आपको इसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग आ सके यहाँ पर और इस जगह को, की सुंदरता को एक्सपीरियंस कर सकें, तो बोलते मैं इसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं रखा है, मैंने इसे रुपए पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं रखा है, खाली मैंने पर्सनल अपने शौक के लिए रखा है, दोस्तों के लिए रखा है, खुद के लिए रखा है। बार बार ये कह रहे थे, शौक के लिए, शौक के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। लेकिन फिर भी वो अब इसको डेवलप कर रहे थे कमर्शियल पर्पस के लिए। उनको देखकर मुझे लगा कि कमर्शियल क्या है, कमर्शियल मतलब पैसा कमाना। हमारी पढ़ाई लिखाई, स्कूल्स या तो सोसाइटी जहां पर हम लोग अभी हैं, उसने एकदम सीमित कर दी है कमर्शियल पर्पस, कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उससे क्या कितना हम पैसा कमा सकेंगे, यही हमारा क्राइटेरिया हो गया है सक्सेस का। कोशिश करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नौकरी फिर पाते हैं, फिर जब वो चीज हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, कुछ रुपए पैसे, अपना मकान, उसके बाद पता चलता, हाय राम, उम्र बीत गई और अभी तक अंदर में वो फुलफिलमेंट नहीं महसूस हुई जो हम खोज रहे थे। वो फुलफिलमेंट कहाँ से आती है? जैन योगा या कृष्णमूर्ति ऐसे लोग बोलते हैं, वो फुलफिलमेंट आती है जब आप अपने आप को जानते हैं। इस तरह के तो सवाल कभी किसी ने हमारे सामने रखा ही नहीं स्कूल्स में, कि खुद को जानना है। लोग तो कहते हैं मैथ्स जानो, लैंग्वेज जानो, ग्रामर जानो, खुद को जानो, इसके बारे में कभी किसी ने पूछा ही नहीं। एक और सज्जन से मिला मैं आज ही, तो वो भी काफी पैसे वाले हैं, बड़े खुश थे वो। उनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ था, याद है मैं बताया था उनको हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर को, तो उनके पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आना शुरू हो गए। तो वो जब उनका एंजियोप्लास्टी हुई तो वापस आए, तो बोलते हैं कि जिस दिन मैं वापस आया उस दिन मेरी 2 लाख रुपए की सेल हुई, 2 लाख रुपए की, बड़े खुश थे। फिर पूछा मैंने, सर जिस दिन आप हार्ट अटैक हुआ उस दिन कैसे महसूस हुआ? बोलते, यहाँ पर गले में चोक, सांस फूल रही थी, फिर ईसीजी कराया, पता चला उसमें ST चेंजेस हैं, मतलब हार्ट की अटैक का साइन आया था। फिर सुबह अनुपम नर्सिंग होम में दिखाया, फिर दोपहर तक हम चले गए वहाँ राम मनोहर लोहिया में, और फिर वहाँ से एंजियोग्राफी हुई, उस पता चला कि हार्ट में ब्लॉक है, तो प्लास्टी हो गई। वापस आके बोलते, क्या फर्क पड़ता, बहुत होता तो चार चार कंधों पे चले जाते, मर जाते। बड़े हंसते हंसते बोल दिया सर ने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हंसते हंसते चले जाते इस बात से वो कंफर्टेबल होते। मरने से कंफर्टेबल आदमी नहीं होता, अगर होता तो अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करता इतना। मैं अपने आप के बारे में सोचता हूं, मुझे मरना पड़े तो सोच ही नहीं पाता भाई, वो थॉट ही। अब देखा नहीं, हम लोगों की लाइफ में डेथ और डिजीज की जब थॉट आते हैं तो हम सोच नहीं पाते, हम डिप्रेसिव हो जाते हैं। डेथ, डिजीज, फेलियर किसी भी फॉर्म में आता है तो दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में अगर कोई रोशनी है जो सोचती है, जो समझती है, उसके ऊपर काला काला बादल आ गया है। क्वेश्चन ये है कि हम क्या हैं, और ये क्वेश्चन किताबें हमको बताती हैं, इक्के दुक्के लोग बताते हैं, लेकिन जब सचमुच में ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैं क्या हूं, देन द मैजिक स्टार्ट्स।
परसों सुबह मैं और रिम्पी बैठ के कल ही इनफैक्ट वो पढ़ रहे थे कमेंट्रीज ऑन लिविंग, तो उसमें एक बंदी थी, उस कृष्णमूर्ति से कुछ बातचीत कर रही थी, तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि हाउ द थॉट व्हेन द थॉट एंड्स व्हाट इज द स्टेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने पूछा रिम्पी क्या होता होगा जब थॉट एंड होता होगा, बोलती मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और है। मैंने कहा लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी बने कैसे, तो इसी बात पर बात मैंने बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, बात होते होते बोलती तुम जबरदस्ती मुझे मेरी प्रॉब्लम बनाना चाहते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि थॉट्स एंड कैसे हो। मैंने कहा मेरी भी प्रॉब्लम नहीं है कि थॉट एंड कैसे हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है कृष्णमूर्ति एक चीज को इंगित कर रहे हैं कि जब माइंड में थॉट खत्म होता है तो क्या होता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक उन्होंने अपना एक स्टेट ऑफ माइंड शेयर किया। अब अपना एक और स्टेट ऑफ माइंड, मैंने कहा एक और स्टेट ऑफ माइंड है कि मान लो हमारी नौकरी चली जाती है तो क्या होता है, इस चीज के बारे में सोचकर कैसा लगेगा, हम दुखी होंगे, शायद डिप्रेस होकर अंदर लेट जाएंगे। नहीं, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी घटना जब हमारे आसपास होती है, कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारा कॉन्शियसनेस में एक चेंज आता है, वो चेंज ही मैं हूं। तो मैं क्या हूं ये क्वेश्चन कोई और हमको नहीं दे सकता, हम सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन कोई दे कैसे सकता है, ये तो ऐसे ही जैसे कोई हमको भूख दे दे या कोई हमको किसी से प्यार दे दे, मतलब किसी के लिए प्यार पैदा कर दे, प्यार या भूख ये तो अपने आप ही पैदा होती है, यहां तक कि बीमारियां भी अपने आप ही पैदा होती है, कोई और दे भी नहीं सकता आपको बीमारी। दिस क्वेश्चन इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई डोंट नो फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी मतलब कृष्णमूर्ति के बारे में नहीं है, कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी मतलब मेरे बारे में है कि इसको पढ़ के मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसको पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने स्कूल के लिए जगह खरीद ली, और मुझे यह भी खुशी है कि जितने लोगों को मैंने जगह दिखाई, जो बिजनेसमैन हैं रुपए पैसे कमाने वाले तो बोलते हैं कि हाईवे से अंदर है, बच्चे अच्छे नहीं आएंगे, उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग अदरवाइज देखते रहते हैं तो उनको जगह अच्छी लगी। मुझे तो खासतौर से वहां पर पेड़ अच्छे लगे, और मैंने पहली बार पेड़ों की उम्र देख करके गेस करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले इतनी उम्र के पेड़ के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैंने मुझे याद है जो जमीन उसके पास में पेड़ है उनकी उम्र करीब 50-60-70 साल से ऊपर ही होगी। यहां नीचे अशोक के पेड़ लगे हैं पतले पतले, तो इनकी भी उम्र होगी करीब 10-15 साल या शायद 20 साल हो। आपने देखा है ना अशोक के पेड़ कोने मोने, 30-40 साल पर जब बड़े हो जाते हैं अशोक के पेड़ तो कैसे दिखाई देते हैं आपको मैं ले चलूंगा। एक नंबर की कोठी है वहां राज साहब की, हम लोग कल उसमें गए थे, दे लुक हेल्दी, दे लुक स्ट्रांग, बिग बिग, उनको जगह भी चाहिए होती है। तो पेड़ों को देख करके हम कैसा महसूस करते हैं, तो ये पेड़ के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये मैं कह नहीं रहा हूं पेड़ को प्यार करो, ये सब मैं लेक्चर लेक्चर नहीं दे रहा हूं मॉरल्स के, या तो पोल्यूशन खत्म करो, ये सब क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैं कैसा महसूस करता हूं, मैं हूं कौन। कृष्णमूर्ति इज अबाउट मी नॉट कृष्णमूर्ति। के वॉज कंसर्नड एट दिस टाइम दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजीनेस ऑफ द स्कूल्स माइट बी स्वैम्पिंग द टीचिंग। जो संस्थाएं उन्होंने बनाई थी वो इतने बिजी थे कि उनको लगता कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से मेरी जो टीचिंग हम देना चाहते हैं लोगों को वो स्वैम्प हो जाए, इसको खत्म हो जाए, दब जाए। इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड कीप द फाउंडेशन टूगेदर। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फाउंडेशन को साथ में रखेंगी। द यूनिफाइंग फैक्टर शुड बी द इंटेलिजेंस, ही टोल्ड मेरियन स्कॉट। चीजों को जोड़ने वाली चीज है वो संस्था नहीं जोड़ेगी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये लोग नहीं जोड़ेंगे संस्था को, इसको कौन जोड़ेगा, इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस कभी कभी लोगों में होती है, कभी कभी नहीं होती है। ही टोल्ड मेरियन स्कॉट टू बी फ्री इन द रियल सेंस एंड द फ्रीडम इज इंटेलिजेंस। क्या है इंटेलिजेंस, सचमुच में फ्री होना।
एंड दैट फ्रीडम इज इंटेलिजेंस, और वही फ्रीडम असल में इंटेलिजेंस है। जब मैं सर से मिला जाकर के, बीमार थे, उनके साथ बैठ करके 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर में हमको लगने लगा कि हाय राम, स्कूल खोलना तो पैसे की बर्बादी है, जिंदगी की बर्बादी है। क्या चीज है जिंदगी? जिंदगी तो है पैसा कमाना, जिंदगी है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अल्ट्रासाउंड करना और पैसा इकट्ठा करके पेट पेट फुलाकर, मतलब खाएंगे पिएंगे बैठ रहेंगे तो आप फिर मर जाना, और मरने के बारे में कभी सोचना भी मत, नहीं तो डर लगता है। फिर मैं जब उनको देख रहा था तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगा यही वो बंदा है जिसको कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, क्वेश्चन इज नॉट वेदर ही विल बी रीबॉर्न और नॉट, फिर से पैदा होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो कौन, उसका क्या होगा जो इस स्ट्रीम में से बाहर निकलता, वो तो इसी स्ट्रीम का ही है, वो तो मरेगा ही नहीं कभी, वो तो यही घूमता रहेगा क्योंकि उसको पैसा फिर रुपया फिर पैसा, बशर्ते उसको स्ट्रीम स्ट्रीम लगे, हम लोगों को तो स्ट्रीम पता ही नहीं चलता स्ट्रीम है, दुखों का एक झंझाल। इस चीज से फ्री होना इज इंटेलिजेंस। इफ यू सी द इम्पोर्टेंस दैट ईच वन ऑफ अस इज फ्री एंड दैट फ्रीडम इम्प्लाइज लव, जब आप देखोगे हम सब असल में फ्री हैं, इंक्लूडिंग आपको, आप भी फ्री हैं और हम सब फ्री हैं, एंड ईच वन ऑफ अस इज फ्री एंड दिस फ्रीडम इज इम्प्लाइज लव, और इसमें ही प्यार है, कंसिडरेशन भी इसी में है। जैसे कल मेरे साथ ये हम लोग घूमने उमने गए थे, फिर सुबह रात को भाई पिज्जा खाया आपने, तो फिर हमारी मम्मी होती तो इनको हड़का गुड़ा उड़ा करके पनीर की सब्जी खिला देती ना, लेकिन जब किसी के पेट में पिज्जा घुस चुका है, पिज्जा के बाद बर्गर भी घुस चुका है, और मैं कोई टॉन्ट नहीं कस रहा हूं, मैं कोई सटायर नहीं, मतलब डांट नहीं रहा हूं, मैं भी, मुझे भी लालच आ रहा था जब ये पिज्जा देख रहा था इनका, मैं अच्छा लग रहा था देखने में, मैंने नहीं खाया, शीश ने खाया वो आलू की टिक्की, खा करके कभी कभी मुंह में पानी आ रहा था, बोल भी रहते खा लीजिए, मैंने अपने आप को रेजिस्ट कर लिया क्योंकि घर पे वो पनीर की सब्जी बनी थी और वैसे भी खाना बना था तो खराब हो जाता। तो घर पे जब आए तो मुझे लगा कि मैं इनको, माँ बाप डांटते हैं ना, तो मुझे लगा कि मैं बोलूं, फिर मुझे लगा फ्रीडम है इनकी ना, प्लस पेट में भी तो ठूस जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, ये तो डर के मारे खा लेंगे, हो सकता है एक रोटी दो रोटी घर पे खा लेते हैं ना, इलाहाबाद में खा लेते हैं। तो ये कंसिडरेशन है कि सामने वाले की परिस्थिति को मद्देनजर रखना, देखिए ना मद्देनजर रखते हुए जज कहते हो, लेकिन कहां रखते हैं मद्देनजर, कंसिडरेशन होता है उसमें, अटेंशन भी उसी में होता है, कोऑपरेशन होता है और कंपैशन होता है इन सब चीजों में। दैट इंटेलिजेंस इज द फैक्टर टू कीप अस टुगेदर, वो इंटेलिजेंस हम सबको साथ में जोड़े, वो चाहते थे कि हमारी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन वो चीज हो। ही ऑल्सो आस्ट मेरी टू नोट डाउन, लिखो, इंडिपेंडेंस विदाउट फ्रीडम इज मीनिंगलेस, आजादी बिना फ्रीडम के, मतलब जो हमको आजादी मिल गई लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है ना, वो क्या है, मीनिंगलेस है। इफ यू हैव फ्रीडम यू डोंट नीड इंडिपेंडेंस, कमाल की चीज बोली उन्होंने, आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप फ्री हैं तो नोबडी कैन बाइंड यू, कहीं कहानी पढ़ी थी मैंने, एक गुलाम बेचने जा रहे थे ना डायोजनीस, जिसको ये अपना गुरु मानते थे सिकंदर, डायोजनीस फकीर थे, टेकटे थे, तो कुछ लोग उनको गुलाम की तरह पकड़ करके बेचने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो बेच दो, बाद में उन्होंने कहा हाथ दर्द करा है धागा और रस्सी छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, तो जब छोड़ दिया, और वैसे भी मतलब जा रहे थे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन गुलाम है और कौन मालिक है, कौन किसको बेचने जा रहा है। जब वहां पर पहुंचा डायोजनीस बोलता है एक गुलाम चार मालिक बेचने आया है, जो फ्री है उसको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस तो उसी को चाहिए जो मेंटली फ्री नहीं है, तो जेल में भी फ्री रह लेता है, उसकी फ्रीडम उसके अंदर है, उसको तो मौत भी नहीं मार पाती। 21 सितंबर को के आस्ट एट स्टाफ मीटिंग हमारे यहां कहां होती है, हाउ डू यू इंस्टेंटली विदाउट टाइम मेक अ स्टूडेंट सी दैट सेल्फ इंटरेस्ट इज द रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे आप अपने स्टूडेंट को यह दिखाओगे तुरंत बिना टाइम लाए कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, कि सेल्फ इंटरेस्ट खाली अपने बारे में सोचना कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, दुख लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है, नॉट ओनली सी इट बट इंस्टेंटली बी ट्रांसफॉर्म्ड, और ऐसा नहीं खाली देखो उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाए। असल में क्वेश्चन नहीं पुटअप किया होगा उनको, कुछ
आया होगा एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस शेयर किया होगा उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में. ही वेंट ऑन टू से दैट ऑफ ऑल द हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड थ्रू ऋषि वैली हिज ओल्डेस्ट स्कूल नॉट वन हैड बीन चेंज्ड. उनके हिसाब से कोई बदला नहीं है. आफ्टर द मीटिंग व्हेन दे वर अलोन मैरी आस्क्ड हिम व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग स्टूडेंट्स इफ नन ऑफ देम इन ऑल दीज इयर्स हैड बीन चेंज्ड. क्या फायदा स्कूल चलाने का जब इतने सालों में कोई बदला ही नहीं है. इफ With all his influence, no student has been transformed. How could the rest of us, who had apparently not changed either, bring about change in the students? जब आप इतने सालों से हैं, कृष्णमूर्ति, the so-called free man, आपके influence में भी बच्चे free नहीं हो पाए, तो हमारे से कैसे हो पाएंगे? If you haven't done it, is there any likelihood that we can? अगर आप नहीं कर पाए, तो कैसे कोई चांस है कि हम कर पाएंगे? शी आस्क्ड. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, ही रिप्लाइड. बट ही सेड दिस रादर जोकिंगली, एविडेंटली नॉट वॉन्टिंग टू कंटिन्यू विथ सच सीरियस सब्जेक्ट. वो और गहरी बात नहीं करना चाहते थे, बोलते मुझे क्या पता. ब्रॉकवुड स्कूल हैज कंटिन्यूड टू फ्लरिश सिंस के इज डेथ. के की मौत के बाद भी वहां पर स्कूल अच्छे से चल रहा है. इट इज मच स्मॉलर देन इंडियन स्कूल्स विथ रूम फॉर ओनली 60 स्टूडेंट्स. खाली 60 बच्चे पढ़ते हैं. और हमारे यहाँ तो जो लखीमपुर के स्कूल्स है ना, वो बोलते हैं 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो बोलते हैं बकवास, कुछ है ही नहीं बच्चे. एन इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ 20 डिफरेंट नेशनैलिटीज एजेड फ्रॉम 14 टू 20 एंड देयर इज अ स्पेशल स्कॉलरशिप फंड. वहां पर एक फंड भी है. अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स टेक ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज व्हाइल लिविंग इन एंड वर्किंग एट ब्रॉकवुड. आप वहां पर काम करते करते ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर सकते हैं. आपके लिए भी. कीथ क्रिचलॉ वॉज एट ब्रॉकवुड अगेन इन अक्टूबर विद डिटेल्ड प्लान्स ऑफ द सेंटर एंड द सैम्पल ऑफ द टू डिफरेंट कलर्ड हैंडमेड ब्रिक्स ही वॉन्टेड टू यूज एंड ऑफ द हैंडमेड रूफ टाइल्स. जो उनका स्टडी सेंटर बना रहे थे उसके बारे में सोच रहे थे. उन्होंने एक सैम्पल बनाया एक, और उसके लिए जो अलग अलग तरीके का ब्रिक यूज करने वाले थे उसका भी सैंपल लेकर आए. दीज मेट विथ जनरल अप्रूवल. सबको अच्छा लगा. के हैड रिसेंटली स्टेटेड ऑन वीडियो वॉट ही वॉन्टेड द सेंटर टू बी. वीडियो में बताया था कैसा सेंटर होना, क्या चाहिए उनको सेंटर में, क्या चाहिए था उनको. इट शुड बी अ रिलीजियस सेंटर. बड़ी खास बात थी. मेरे एक मित्र हैं, आप भी उनको जानते हो, मिले नहीं लेकिन आप जानते हैं. उनका नाम है दादा श्री जी और उनका एक सेंटर है यहां पर करजत में, बंबई के पास, मैत्री बोधि परिवार के नाम से. आप उसको डालेंगे तो खुल जाएगा. और वहां पर सेंटर के बीचों बीच में एक मंदिर बनाया उन्होंने. कृष्णमूर्ति के किसी स्कूल में, किसी भी सेंटर में कोई टेम्पल नहीं है. एंड स्टिल ही सेज इट शुड बी अ रिलीजियस सेंटर, कि रिलीजियस जगह हो. अ सेंटर वेयर पीपल फील देयर इज समथिंग नॉट कुक्ड अप. एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि यहां पर कुछ कुक्ड अप नहीं है. व्हाट इज कुक्ड अप? बनाया हुआ, फेक. मूर्ति लगा दी, आरती कर रहे हैं सुबह से शाम तक. मैं देख रहा था आज फेसबुक पे कुछ लोगों के वीडियोस देख रहा था, उसमें आरती कर रहे हैं. पता नहीं उसमें रिलीजियसिटी है कि नहीं, मुझे क्या पता. कुछ ऐसी जगह चाहते थे जहां पर कुछ कुक्ड अप ना हो, नॉट इमेजिनेटिव, काल्पनिक चीजें ना हो, नॉट सम काइंड ऑफ होली एटमोस्फियर, वहां पर पवित्रता का एटमोस्फियर हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था उनको. ही वॉन्टेड रियल रिलीजियसनेस, अ रिलीजियस सेंटर, नॉट इन द ऑर्थोडॉक्स सेंस ऑफ द वर्ड. पुराने तरीके से सोचते हैं रिलीजियस के बारे में, वैसा सेंटर नहीं चाहिए था उनको, कि मंदिर लगी हो, घंटी लगी हो, अगरबत्ती जलती हो, उस तरह का नहीं चाहिए था उनको. अ सेंटर वेयर अ फ्लेम इज लिविंग, नॉट द एशेज ऑफ इट. एक ऐसा सेंटर जहां पर असल में रिलीजन जिंदा है, उसकी एशेज नहीं. ये सब एशेज हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे. अ फ्लेम इज अलाइव, फ्लेम जिंदा होता है. एंड इफ यू कम टू दैट हाउस यू माइट टेक लाइट द फ्लेम विथ यू, और यू माइट लाइट योर कैंडल, और बी द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ब्रोकन अप. अ पर्सन हु इज रियली होल हैज नो शैडो ऑफ सोरो, पेन, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. इस तरह की चीजें नहीं होंगी. जब आप एक फ्लेम, लाइव फ्लेम लेकर जाएंगे, तो आप अंदर से दुखी नहीं होंगे, ब्रोकन नहीं होंगे, होल हो जाएंगे, आप संपूर्ण हो जाएंगे, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, उस तरह का चीज. सो
दैट इज रिलीजियस सेंटर, वो रिलीजियस सेंटर होता है। मैं जब इनसे मिला यहां पर, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, शायद वो लोग वीडियो देखें, अमीर लोग, बहुत अमीर लोग, वेरी वेरी रिच पीपल विथ सो मेनी इनकम्पैसिटीज, कमियां हैं अंदर, कमी इन द सेंस वो चाहते हैं कि जैसे ज्ञान की कमी। जिन सज्जन से मैं मिला कल, ही डजंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस, तो उसको फिर बहुत समझदारी से उन्होंने उसको कवर अप किया कि मैं कोई कोई वो कमर्शियल सेंटर नहीं चलाना चाहता, मैं खाली दोस्तों के लिए चलाना चाहता। एंड स्टिल ही इज मेकिंग रेस्टोरेंट, स्टिल देयर इज अ प्राइस टैग, स्टिल यू हैव टू, इफ यू टू स्लीप इन दैट रूम कॉटेज में तो आपको 2,000-2,500 रुपए पर नाइट देना पड़ेगा, तो वो तो कमर्शियल सेंटर है। अब कमर्शियल सेंटर चलाना चाहते हैं और हम नहीं चलाना चाहते, इसका मतलब क्या है? हम अपना काम नहीं जानते भाई, बिजनेस इज बिजनेस, यू हैव टू सेल, यू हैव टू कीप अ काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर क्वालिटी, वो सब चीजें नहीं पता। ऐसे मैं काम करता हूं डॉक्टरी का, अगर मुझे कोई काम नहीं आता तो आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर, तो अगर नहीं जानता तो आई शुड गो एंड फाइंड आउट, लर्न। बट दैट मैन, इट ही सीम टू बी क्लोज, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर आप जो बोल रहे हैं कि कमर्शियल सेंटर नहीं बनाना चाहिए, आई वॉन्ट यू टू सी वन वीडियो, जग्गी वासुदेव और कामत जो चेयरमैन है आईसीआईसी बैंक के, उनकी बातचीत है, तो उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो दिया। तो आई सॉ दैट वेन यू सी पीपल, यू सी देम एज योर ओन सेल्फ, कि अगर मैं इस तरह से अमीर आदमी हूं और मुझे भी ज्ञान चाहिए और मेरे अंदर में भी ऐसी संकोच है, तो मैं कैसे खोलूंगा अपने आप को? एंड देन यू फाइंड आउट वेज टू ओपन अप योर ओन सेल्फ इन द अदर पर्सन। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप जब सुबह सुबह किया, एक यूट्यूब हमारा जो व्हाट्सएप का पेज है उसमें तो मैंने शेयर किया, मैंने लिखा यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर देन मी और यू वुड अप्रिशिएट इट बेटर देन मी, वीडियो मैंने भेजा, और लकीली वीडियो किसने देखा? महाजन जी ने, एंड ही रोट वेरी गुड वीडियो। सो मेनी ऑफ अस हैव गॉट सो मेनी इनकम्पिटेंसीज, कमियां, और हम दूसरों को जब देखते हैं ना तो हमको लगता है उसके अंदर कमी है, वो हमारे अंदर नहीं दिखता, मतलब वो हमारा हिस्सा नहीं दिखता, इसलिए हम उसको हेल्प भी नहीं कर पाते। अंदर से खुशी होती है, चलो अच्छा ही है, बहुत पढ़े हो ना तुम, बड़े अमीर बन गए हो ना, अब बताओ, ऐसा लगता है। नहीं समझे कि ऑल्सो सेड अबाउट द क्वाइट रूम, उन्होंने एक ऐसा रूम चाहिए था उनको, ये हमारे यहां होना चाहिए क्वाइट रूम, ऐसा रूम चाहिए था, दैट इज द सोर्स ऑफ के, सॉरी आई एम बीइंग क्वाइट इम्पर्सनल अबाउट दिस, वो सोर्स होना चाहिए के का, जहां से एनर्जी आती है के की। मैं बहुत इम्पर्सनली बोल रहा हूं, मतलब मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं कि के, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, वहां से सच्चाई आएगी, इट शाइन्स लिविंग देयर, वहां से शाइन होगा एक तरह से ज्ञान। के टोल्ड क्रिचलॉ दैट ही हैड नॉट वॉन्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू द बिल्डिंग टू लुक नोव्यू रिश और लाइक अ कंट्री होटल, होटल जैसा नहीं बनाना चाहता। विल इट मेक मी वॉन्ट टू ड्रेस प्रॉपरली, बी क्लीन, ही आस्क्ड, बोलते हैं क्या तुम जो जगह बना रहे हो वहां पर मुझे अच्छे से कपड़े वपड़े पहनकर जाने का मन करेगा? क्रिचलॉ रिप्लाइड दैट इफ द बिल्डिंग वॉज रिस्पेक्टफुल टू द पीपल वुड बी रिस्पेक्टफुल टू द बिल्डिंग। क्या होता है पता है, होटलों में या तो आप अपने घर में रहते हैं, कुछ भी पहन के घूम रहे हैं, लुंगी पहन के घूम रहे हैं, बनियान पहन के घूम रहे हैं, तो बोलते हैं अगर आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग भी आपके लिए रिस्पेक्टफुल रहेगा। हम लोग जाते हैं KFI में तो बनियान पहन के बाहर बाहर घूमने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे कि इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कंस्ट्रेंट। हाँ जब सो रहे हैं आप तो आप आराम से रिलैक्स होके बनियान में जैसे भी सोना चाहें, बट जब आप निकलते हैं बाहर वॉक करने के लिए, जस्ट कॉटेज के बाहर निकलते हैं तो और भी लोग वॉक करते रहते हैं और लोगों से मिलेंगे, तो आपको मन नहीं करता कि चड्डी और बनियान में बाहर और शुक्ला जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं मन करता। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, प्लस ये कपड़े पहनकर कृष्णमूर्ति जी के कमरे में जाने नहीं मन करता, और ये कोई मना नहीं करता वहां पर कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, साफ सुथरा कपड़ा पहनने का मन करता है। ये बोल रहे हैं कि अगर बिल्डिंग को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो बिल्डिंग भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। दिस सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हैज बीन मैग्निफिसेंटली अचीव्ड इन द फिनिश्ड सेंटर, और ये वहां पर हो रहा है जितने भी सेंटर्स हैं, विच वॉज ओपन्ड अप इन 1987 दिसंबर।
It shows that what can still be accomplished by dedicated craftsmen when inspired by the project in which they were encouraged to participate. ये आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर. When entering the building, one immediately enters into Krishnamurti's unique atmosphere. जब आप बिल्डिंग में घुसेंगे तो आप कृष्णमूर्ति के एटमोसफियर में घुस जाएंगे, ऐसा लगता है. मैं तो नहीं गया हूं ब्रॉकवुड, लेकिन मैं बनारस गया हूं. एंड इट्स अ प्लेस वेयर यू डोंट रिमेन योरसेल्फ, यू चेंज एटलीस्ट फॉर दोज डेज, दोज आवर्स. अब मुझे पता नहीं सारे के सारे बच्चे महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, शायद उसके लिए एक सेंसिटिविटी चाहिए. तो मैं तो चेंज महसूस करता हूं, बल्कि मैं तो इस बार चेंज ले आया अपने साथ उठाकर. फ्लेम, इसकी फ्लेम बात करते कृष्णमूर्ति की, नहीं फ्लेम बोले ना, ऐसा सेंटर बनना चाहिए जहां से लोग फ्लेम ले जा सके, जो जिंदा हो. नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन. क्रिएशन वर्ड जानते हैं क्या होता है? क्रिएशन, कुछ नया बनना, जहां चीजें बनती हैं. न्यूटन अंकल बोलते थे कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कृष्णमूर्ति अंकल कुछ और कहते हैं, कहीं से क्रिए. कृष्णमूर्ति वॉज ए साइंटिस्ट ऑफ माइंड. हम लोग पता है किसको साइंटिस्ट बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं साइंटिस्ट जो मैटर के साइंस को डील करते हैं. लेकिन हम, हमारे लिए हमारा जो माइंड है वो कोई इन्वेस्टिगेट करने वाली चीज ही नहीं लगती. हमको लगता है हम तो जानते ही हैं. एक है बड़े अच्छे डैनियल डेनेट, फिलोसोफर है और वो प्रॉपर पढ़े लिखे फिलोसोफर है. पढ़े लिखे क्योंकि वो पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फिलोसफी. तो वो बोलते हैं जब भी मैं कहीं पार्टी वार्टी में जाता हूं तो लोग पूछते हैं तुम क्या करते हो, तो मैं बोलता हूं मैं फिलोसफी पढ़ाता हूं. तो लोग बोलते हैं फिलोसफी, फिलोसफी तो सभी जानते, लोग ऐसे डील करते हैं फिलोसफी ना, सब जानते हैं. फिलोसफी मतलब, फिलोसफी फलसफा, ज्ञान. फिलोसफी मतलब ज्ञान बेसिकली, जनरल अबाउट ह्यूमन, अबाउट ह्यूमंस, ओनली अबाउट ह्यूमंस. फिर बोलते हैं जब लोग मुझसे पूछते हैं ओके इन फिलोसफी व्हाट इज योर सब्जेक्ट, तो लोग क्यूरियसली, क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, पूछते हैं, तो मैं बोलता हूं कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस लोग फिर बोलते हैं कॉन्शियसनेस, क्योंकि सबको लगता है हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हैं. एक जो रिक्शा चलाता है या प्राइमरी का टीचर है वो भी बोलता है फिलोसफी ना हम जानते हैं. वी डोंट कंसिडर फिलोसफर्स एज साइंटिस्ट, दे आर साइंटिस्ट ऑफ माइंड. मैटर के बारे में नहीं कहा है उन्होंने, कहा क्रिएशन के बारे में, एनर्जी के बारे में. हम पहली बात तो अपने माइंड की जो भी थॉट्स चलती हैं, जो भी इमोशंस चलती हैं, उसको एनर्जी की तरह देखते नहीं है. हमको लगता नहीं कि वो एनर्जी है, इसलिए हम उसको बहुत तवज्जो देते नहीं है. एक थॉट आया, क्या फर्क पड़ गया. He would not allow Mary Zimbalist to go with him to India that winter because she had been ill there the whole before, year before. बीमार थी इसलिए उनको अपने साथ लेकर नहीं आए. She wondered whether she would ever see him again. उसको लगा मैं पता नहीं दोबारा देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी. He had become so frail, कितने कमजोर हो गए थे. If I am going to die, I'll telephone you right away. बोलते अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं तुम्हें तुरंत फोन कर दूंगा. He assured her, I won't die all of a sudden. मैं अचानक से नहीं मरूंगा. I am in good health, my heart, everything is all right. It is all decided by someone else. ये सब चीजें कोई और decide कर रहा है. I can't talk about it. मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता. I am not allowed to. Do you understand? मुझे allowed नहीं है. किस, कौन allow नहीं कर रहा उनको? हम तो उनके बारे में जानते हैं. हमारे सब के बगल में एक कहते हैं, एक वो है जो हमको allow करता है कि या नहीं करता. लेकिन जब हम ही उसके बारे में conscious नहीं है तो वो interfere नहीं करता. मेरे साथ अब करता है इंटरफेयर बिकॉज मेरे बगल में रहता है. जो कृष्णमूर्ति को ध्यान देता था, जो उनको मरने नहीं देता था, एक एनर्जी है और वो एनर्जी बहुत जिंदा है, मुझसे भी ज्यादा जिंदा एनर्जी है. मतलब मैं तो जिंदा हूं, चलता हूं फिरता हूं, लेकिन मैं फिर भी बहुत बार बेहोश हो जाता हूं. बेहोश मतलब मैकेनिकल तरीके से जीता हूं, हाँ. लेकिन वो जो एनर्जी है मेरे बगल में मेरे साथ जो रहती है वो बहुत कॉन्शियस है, तो बहुत ज्यादा समझदार है. आपके बगल में भी है लेकिन आप उसको भूल जाते हैं.
आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, जानते नहीं है आप, और वो बड़ी बड़ी सोबर सी एनर्जी है, वो डिस्टर्ब नहीं करती, सालों साल तक डिस्टर्ब नहीं करती। आप नहीं डिस्टर्ब, आप उसके बारे में जानेंगे तब वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। वही तो बता रहा हूं, एनॉर्मस, इट इज मच मोर सीरियस, बहुत सीरियस एनर्जी है वो। देर आर थिंग्स यू डोंट नो, ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो आप जानते नहीं हैं, एनॉर्मस एंड आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता उस एनर्जी के बारे में। इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ ब्रेन लाइक दिस एंड इट मस्ट बी मस्ट कीप ऑन एज लॉन्ग एज द बॉडी कैन। इस तरह का जो ब्रेन है कृष्णमूर्ति का, ऐसा पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए उसको चलना पड़ेगा जब तक चल सकता है, अंटिल समथिंग सेज इनफ, जब वो एनर्जी कहेगी बस अब रुक जाओ, तब तक जिंदा रहना पड़ेगा इस बॉडी को। व्हेन मार्क एडवर्ड्स फोटोग्राफ्ड के इन 19 अक्टूबर 4 डेज बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंडिया, ही फाउंड हिम लुकिंग रिमार्केबली वेल, बहुत हेल्दी लग रहे थे। हाउएवर ड्यूरिंग द वीक के स्पेंट इन न्यू दिल्ली, ही स्लेप्ट वेरी लिटिल एंड एट हार्डली एनीथिंग, सो दैट व्हेन ही अराइव्ड एट राजघाट ऑन 2nd नवंबर, डॉक्टर परचुरे हु अवेटेड हिम फाउंड हिम ड्रेडफुली वीक, तो खाना बहुत कम खाया, सोए बहुत कम, तो बीमार लग रहे थे वो। फ्रॉम दैट डे द डॉक्टर्स नेवर लेफ्ट हिम अंटिल हिज डेथ एंड केप्ट अ डेली रिकॉर्ड ऑफ हिज हेल्थ, रोज का उनका रिकॉर्ड रखते थे हेल्थ का। व्हाइल ही वॉज एट राजघाट के एकम्प्लिश्ड वन ऑफ हिज मेन टास्क इन इंडिया, एक बड़ा काम किया उन्होंने, दैट ऑफ फाइंडिंग अ न्यू हेड, नया जो वहां पर हेड बनने वाला था उसको उन्होंने खोज लिया KFI का, राजघाट बनारस का, उसका नाम रखा था रेक्टर, RECTOR, रेक्टर एज द पोजिशन वॉज कॉल्ड, डायरेक्टर नहीं रेक्टर ऑफ राजघाट स्कूल। दिस वॉज कौन, प्रोफेसर डॉक्टर पी कृष्णा, डॉक्टर पद्मनामन कृष्णा, जिन्होंने किताब लिखी है। A nephew of Radha Bernier and professor of physics at Banaras Hindu University, BHU, who agreed with the consent of his vice chancellor to give up the post and take up this new duties at Rajghat in February. Government job chhod di thi scientist ki BHU mein. BHU is one of the best institutions in India. The job karte rehte 12 saal tak aur to unko pension milti throughout his life. Chhod chhad. नहीं, उनको भी लगा होगा ना, खाली कहने पर नहीं छोड़ा, अरे बड़ी बहस हुई है उनकी, हम यहाँ क्यों करें या करें वो करें, खूब मतलब प्यार से। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेली लेटर्स टू बेरीज एम्बरलिस्ट एज के हैड डन इन प्रीवियस विजिट्स टू इंडिया व्हेन शी हैड नॉट बीन विथ हिम, ही नाउ डिक्टेटेड मच लॉन्गर लेटर्स ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन द कैसेट विच ही पोस्टेड टू हर। चिट्ठियां लिखते नहीं थे आप, डिक्टेट करते थे बेरीज एम्बरलिस्ट के लिए रोज। This was because of his shaky hands, क्योंकि हाथ कांपते थे। He told her from Rajghat on 9th November that his blood pressure had gone down considerably and that his legs were so wobbly that he could hardly walk. पैर इतने कांपते हैं जैसे चलने को भी दिक्कत होती है। The day before he had fallen down on some step because he could not get them up. पैर गिर गया नीचे तो उठा नहीं पा रहे थे, बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर परचुरे वॉज गिविंग हिम सम एक्सरसाइज टू डू एंड मैसेजिंग हिज लेग विथ ऑयल एंड ही वॉज श्योर दे वुड सून गेट स्ट्रॉन्गर। उनको लगा मसाज हो रहा है तो मेरा पैर मजबूत हो जाएगा, चलना उनके लिए बहुत जरूरी था। ही नो लॉन्गर फेल्ट दैट ही कुड ईट विथ पीपल एंड वॉज हैविंग ऑल हिज मील्स इन बेड। लोगों के साथ बैठ करके, बाहर किचन था उसमें खा नहीं पाते थे, बेड पर ही खाते थे। पीपल केम टू सी हिम ऑल द टाइम इन हिज रूम एंड ही हेल्ड डिस्कशंस देयर। उनके रूम में लोग आकर उनसे मिलते थे, वहां पर बातचीत करते थे। कौन कौन आता था, पुपुल जयकर, नंदिनी मेहता, राधिका हर्ज़बर्गर, सुनंदा एंड पम्मा पटवर्धन वर ऑल एट राजघाट। ये सब राजघाट में रहते थे। बाय द 11th हिज लेग वर बेटर एंड ही वॉज गोइंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऑल टूगेदर। फिर पैर मजबूत हो गए और चलने लगे। He spoke about the beauty of the river when the sun rose at about 6:15. सुबह सुबह जब सूरज उगा तो उस समय उन्होंने कितनी सुंदर होती नदी उसके बारे में बात किया। He was reading Gore Vidal's Lincoln and called it really marvelous. ये किताब का नाम मिल गया भैया हमको, बहुत अच्छी किताब कृष्णमूर्ति को लगी। आपने जब उस दिन मोबाइल फोन देखा तो मैंने मना किया आपको, हाँ। In spite of his weakness, K gave two public talks at Rajghat and took part in a series of discussions with Indian trustees and some Buddhist scholars, including Jagannath Upadhyay. Last discussions में यह है बातचीत।
बीमारी के फिर भी कमजोरी के बावजूद उन्होंने ये सब लेक्चर किए. द इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन एन आर्ट्स ग्रांट टू जी अरविंदम, अ वेल नोन प्रोड्यूसर, टू मेक अ फुल लेंथ फिल्म बेस्ड ऑन के लाइफ. गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे उनके ऊपर फिल्म बनाओ. फिल्म का नाम है द सीयर हु वॉक्स अलोन, एक ऐसा ऋषि जो अकेले चलता है. सीयर SEER, देखने वाला, ऋषि मतलब देखने वाला, सेंट होता है संत को बोलते हैं. सीयर इज ऋषि, अ सीयर हु वॉक्स अलोन. द फिल्म हैड बीन स्टार्टेड द ईयर बिफोर एंड द लास्ट सीक्वेंसेज वर शॉट एट राजघाट ड्यूरिंग हिज फाइनल विजिट ऑफ केस. जब आए थे लास्ट में वहां पर उनकी फिल्म भी बनी. When K went on to Rishi Valley at the end of November, he showed his feebleness, kamzori dikhi, according to Dr. Parchure, in his afternoon walks when he leaned on the right so much that he might fall. Aise khade ho gaye the, lag raha tha gir jayenge, bahut kamzor ho gaye the. He was also feeling the cold very badly, probably because he had lost weight. Vajan kafi kam ho gaya tha, body ka fat kam ho gaya, to thand bhi bahut lag rahi thi. He told Mary that blankets and hot water bottle could not keep him warm at night. The temperature was down to 48 degree even in the morning. बोलते बहुत ठंड लग रही है मुझे. He was having his meals alone in the bedroom, in the room, as he had done at Rajghat and also intended to do in Madras. बोलते रूम में ही खाना खाते थे अभी. But he still seemed to have no idea how ill he was. लेकिन उनको अभी भी एहसास नहीं हो रहा था कितने ज्यादा बीमार हैं वो. On 4th December, he told Mary that he would be going to Bombay from Madras on 20th January, leaving Bombay for London on 12th February, and after 4 days at Brockwood, would fly on to Los Angeles so that he would see her on 17th. अपने प्लान बताया, मैं बॉम्बे से लंदन, लंदन से फिर लॉस एंजलिस, फिर वहां पर मिलेंगे. That in fact was the day on which he was supposed to die. वही दिन है जिस दिन वो मरने वाले थे. On 11th, he said that he was feeling very much stronger. His legs were becoming a little more firm. 11th ko unke pair thode majboot lag rahe the. In the middle of December, teachers gathered at Rishi Valley from all Krishnamurti schools for a conference. Sab ikatthe hue. Scott Forbes, one of those who came from England, was painfully struck by the physical deterioration of in K. Bolte hain jab teachers ne dekha wo kitne kamzor ho gaye hain, sab bahut dukhi hue. Unhone likha hai, teacher ne likha hai, Mr. Scott Forbes ne, principal jisse bole the na bachchon ke bare mein, the people at Rishi Valley were very conscious of his frailty. Sab jaan gaye the unki kamzori ke bare mein. And all the students and the staffs were very gentle and cautious with him. Bahut cautious, savdhani se unke saath pesh aa rahe the. There was a sense of foreboding in the air. Lag raha tha wo ja rahe hain. People were not openly speaking about it. लोग बात नहीं कर रहे थे इसके बारे में खुले खुले. At least not to me. मुझसे तो कोई नहीं बोल रहा था. But there were lots of broad hints that they did not expect Krishnamurti ever to come back to Rishi Valley. लेकिन सब यही मान के चल रहे थे कि अभी वापस कभी नहीं आएंगे Rishi Valley. Krishnamurti must have been preparing the people for this because gradually it became accepted that he would probably not come back to India. लोगों को बातचीत करते करते तैयार कर रहे थे शायद. लोग तैयार हो रहे थे इसके लिए. राधिका वॉज प्लेइंग होस्टेस टू एवरी वन. और राधिका जो थी वो सबकी होस्टेस थी, मेहमान नवाजी कर रही थी. रनिंग दिस कॉन्फ्रेंस एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ कृष्णा जी एज वेल एज मीटिंग हर कंटिन्यूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द स्कूल. राधिका जो थी वो स्कूल की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी और कृष्णमूर्ति का ध्यान भी कर रही थी, रख रही थी. आई रिमेम्बर सेवरल टाइम्स थिंकिंग टू माई सेल्फ that she did this very well and was handling a very very difficult situation as well as it could be done. jitna acche se ho sakta tha utne acche se kar rahi thi ye cheez. ro rahi thi, aansu nahi aa rahe the. to everyone's surprise, he took part in teachers conference, speaking at it 3 times and setting the whole thing on different footing and radiating greatness. according to one of the english teachers, इतनी कमजोरी के बावजूद टीचर्स की मीटिंग में आए, 3 बार उन्होंने बोला भी, और जब बोला तो जो बातचीत थी वो डायरेक्शन में आ जाती थी. हम जब बातचीत करते हैं तो ड्रिफ्ट हो जाते हैं अपने इमोशंस में. ऑन द लास्ट ओकेजन के आस्क्ड वेदर देयर वाज एन इंटेलिजेंस नॉट बॉर्न ऑफ नॉलेज एंड देयर फॉर फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. लास्ट में उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई इंटेलिजेंस है जो कहां से नहीं आता, जो नॉलेज से नहीं आता, किताबों से नहीं आता, जानकारी से नहीं आता, और जो सेल्फ इंटरेस्ट से फ्री है. सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मैं
मेरे मेरा इसमें फायदा है, उससे फ्री कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि। ही ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, माइंड और ब्रेन के बीच में अंतर बताया। द लैटर बीइंग फिजिकल, जो ब्रेन है वो फिजिकल है, मैकेनिज्म है, एसेंशियली द सीट ऑफ थॉट, यही है जहां से थॉट्स निकल के आते हैं। माइंड वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन थॉट एज टाइम, और माइंड तो कुछ और ही होता है, उसका तो थॉट से कुछ लेना देना ही नहीं होता। ही आस्क्ड इज टाइम इन्वॉल्व्ड इन गुडनेस, क्या अच्छाई में टाइम इन्वॉल्व्ड होता है? कल से सच बोलेंगे, कल से भला करेंगे। एंड प्रपोज, और बताया, कॉन्ट्री टू ह्यूमन एक्सपीरियंस द गुड वॉज नॉट रिलेटेड टू बैड, और गुड जो है वो बैड से उसका कुछ संबंध नहीं है। कहते ना लाई में ही प्यार है, ऐसा नहीं है। इधर एज अ रिएक्शन और रिएक्शन टू इट और एज प्राइमरी स्टेट, गुड का बैड से कोई संबंध नहीं है। ही ब्रॉट बैक टू द कॉन्फ्रेंस विच हैड बीन डिस्कसिंग सच इश्यूज एज करिकुला, वॉट टू के वॉज द होल पर्पज ऑफ स्कूल, हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू ब्रेन। उन्हें स्कूल में करिकुलम पढ़ाते थे लोग, वो वापस ले आए ये चीज के पर्पज क्या है स्कूल का, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू ब्रेन, वो ब्रेन पैदा करो, नया ब्रेन। एंड वॉट इट मीन टू फ्लावर इन गुडनेस, और अच्छाई में वो ब्रेन का फ्लावर होना का मतलब क्या होता है? अगर महाजन से बात करते तो महाजन जी को चुप करा देते वो। He also spoke alone to children while he was at Rishi Valley. अकेले बच्चों से भी बात की। He emphasized as he had done to us in 1924 in Purjin. 1924 में हमसे बताया था उन्होंने, that the worst thing was to grow up dash. सबसे बुरी चीज क्या है बड़े होने में? एक वर्ड है, mediocre. Mediocre. ग्रेटनेस, ग्रेटनेस जो होता है जब वो नहीं होता तो जो चीज होती है उसको बोलते हैं मीडियोकर। आमतौर पे हम सब मीडियोकर लाइफ ही जीते हैं। मीडियोकर खोजिएगा आप क्या होता है। सर अभी वो कह रहे हैं जब हम वो साइकोलॉजिकल हर्ट को जरा समय तक याद रखते हैं बड़े होकर और छोटे बन पे याद नहीं रखते। ये कह रहे हैं कि सबसे बेकार चीज जिंदगी की ये होती है कि आप ऐसे बड़े हो जाएं, मीडियोकर बन जाएं बस। आप बड़े हो गए और आपके अंदर में ग्रेटनेस नहीं खोज पाए आप, तो उससे बेकार चीज कुछ नहीं है, आपने लाइफ बर्बाद कर दी। और ग्रेटनेस का मतलब ये नहीं कि कुछ खूब ढेर सारा पैसा कमा लिया या बड़ा सा मकान बना लिया, ये ग्रेटनेस नहीं है। ग्रेटनेस मतलब खुद को जान पाना। क्वेश्चन ये है, आप ये बोलो सर ये ग्रेटनेस कैसे है, आप खुद को जानते नहीं है इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा। आपको लगता होगा कि आप खुद को जानते होंगे, शीशे में देखते होंगे और आपको लगता होगा मैं तो यही आदमी हूं बेचारा, ना मेरे पास कार है, मेरे पास 50,000 है, मैं इसको फोन भी नहीं खरीद सकता, है ना। बट ग्रेटनेस इज वेन यू एक्चुअली फाइंड आउट वॉट यू आर बियॉन्ड दीज थॉट्स, बियॉन्ड दिस मनी। यू कुड अटेन द हाइएस्ट पोजिशन इन द लैंड एंड स्टिल बी मीडियोकर, चाहो तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ फिर भी तुम मीडियोकर रहोगे। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग नॉट ऑफ अकम्प्लिशमेंट, क्वेश्चन है तुम्हारा बीइंग क्या है ना कि तुमने क्या हासिल किया है। बीइंग, बीइंग मतलब तुम जो हो। आज रात को मान लीजिए मेरी मौत हो जाती है तो मैं हूं क्या? अभी आगे देखिए कृष्णमूर्ति क्या थे, क्योंकि मैं बताया ना कृष्णमूर्ति का बात नहीं है, बात मेरा है। देर वॉज सम डिस्कशन बिटवीन राधिका हर्ज़बर्गर एंड स्कॉट अबाउट अ स्मॉल स्टडी सेंटर दैट वॉज टू बी बिल्ट एट ऋषि वैली, कुछ सेंटर बनाने की बात हो रही थी वहां पे, फाइनेंस्ड बाय फ्रेडरिक गोरे जो उनके दोस्त बने थे। स्मॉल सेंटर्स वर आल्सो टू बी बिल्ट एट राजघाट एट उत्तरकाशी, जहां पर विजय जी ने एक स्टडी सेंटर बनाया, वहां पर बातचीत चल रही थी। इन हिमालयाज नियर देहरादून अ पीस ऑन अ पीस ऑफ लैंड दैट हैड बीन प्रेजेंटेड टू द इंडियन फाउंडेशन एंड वॉज एक्सेसिबल इन विंटर, सर्दियों में अभी जा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उत्तरांचल वहां पर सेंटर बन चुका है। और मैं कल परसों बात कर रहा था विजय जी से तो वहीं होंगे वो, उत्तरकाशी में जहां पर ये सेंटर बनाया है छोटा सा, उसकी बातचीत चल रही थी। फ्रेडरिक फाइनेंस दीज बिल्डिंग्स एज वेल, उन्होंने ये सब चीज को पैसा दिया था फ्रेडरिक ने। हुपी एक चिड़िया है, अ बर्ड विथ अ लॉन्ग बीक एंड अ हाई क्रेस्ट,
लंबा चौड़ा क्रेस्ट छाती वुड सिट ऑन द विंडो शिल ऑफ केज बेडरूम ड्यूरिंग दीज डिस्कशन, जब बातचीत होती थी एक चिड़िया आके बैठती थी, पेकिंग एट द ग्लास, ग्लास पर मारती थी चोंच, वॉन्टिंग टू गेट इन, अंदर आने के लिए. इट हैड डन दिस ऑन सेवरल अदर विजिट्स, बहुत पहले भी बात बार कर चुकी थी. के हैड नेवर फेड इट, कभी उसको खिलाया नहीं था. इट सीम्ड टू हैव नो रीजन फॉर वॉन्टिंग टू गेट इन, येट इट वॉज नियरली ऑलवेज देयर, कोई वजह नहीं दिखती थी कि अंदर क्यों आना चाहती है, कभी खाना उन्हें खिलाया हो तब तो फिर भी आना चाहती थी. के टॉक टू इट, के उसे बातें करते थे, एंड सेड दैट इट लाइक्ड द साउंड ऑफ हिज वॉइस, कहते थे शायद मेरी आवाज उसको पसंद है. इट वॉज देयर एज यूजुअल, वो आ जाती थी. टेकिंग एट द ग्लास ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ऑफ केस, जब गए थे तो वहां आ जाती थी. वन कैन हियर इट वेरी डिस्टिंक्टली व्हेन लिसनिंग टू द कैसेट ऑफ द डिस्कशन, और जब आप कैसेट में सुनेंगे ना तो आप सुन पाएंगे उस चीज को, उस चिड़िया की आवाज सुन पाएंगे. अभी बात खत्म नहीं हुई है. बीइंग क्या है इसको डिस्कस करेंगे कल. आज 8:03 बज गए.